नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए गेम प्ले वीडियो में। और दोस्तों आज हम खेलने जा रहे हैं GTA 5। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि GTA 5 के लास्ट वाले एपिसोड में दोस्तों हम गए हुए थे एक रॉबरी करने के लिए, और दोस्तों वो जो रॉबरी है हमने यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट कर भी ली थी। बट दोस्तों यहाँ पर जो सारी की सारी ज्वेलरी है ना वो यहाँ पर लेस्टर ने अपने पास रख ली थी, तो दोस्तों आज हम वहीं पर जाने वाले हैं। यानी कि दोस्तों आज हम जाने वाले हैं माइकल के पास पूछने के लिए, क्योंकि दोस्तों वो जो लेस्टर था उसने यहाँ पे माइकल से बोल दिया था कि जब वो उन ज्वेलरी की यहाँ पे अकाउंटिंग वगैरह कंप्लीट कर लेगा तो वो यहाँ पर माइकल को फोन कर देगा। और दोस्तों जो माइकल है उसने यहाँ पे फ्रैंकलिन से बोल दिया था कि जब भी दोस्तों उसके पास लेस्टर का कॉल आएगा तो वो जो है यहाँ पे फ्रैंकलिन को इन्फॉर्म कर देगा, और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर ये जो फ्रैंकलिन है वो माइकल के घर पे पूछने आ सकता है। तो आज से दोस्तों हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से अपनी तरफ से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसी के साथ दोस्तों आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको इसी तरीके की वीडियोस इस चैनल पे सबसे पहले मिल पाएंगे। चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हम चलते हैं सबसे पहले फ्रैंकलिन के घर पर, और दोस्तों फ्रैंकलिन के घर पर जाने के बाद अभी हम यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, और दोस्तों कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद हम चलेंगे यहाँ पे माइकल के घर पे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों अभी हम लगा लेते हैं यहाँ पे फ्रैंकलिन के घर का गूगल मैप्स में मार्क। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी दोस्तों हमने यहाँ पे मार्क लगा लिया है फ्रैंकलिन के घर का गूगल मैप्स में, और अभी दोस्तों हम जा रहे हैं यहाँ पे फ्रैंकलिन के घर पे। और दोस्तों फ्रैंकलिन के घर पे जाने के बाद अभी दोस्तों सबसे पहले हमें जाना है यहाँ पे माइकल के घर पे, और दोस्तों माइकल के घर पे जाने के बाद अभी हम उससे यहाँ पे बात कर लेंगे कि यहाँ पर दोस्तों जो पैसे हैं वो अभी तक आए या फिर नहीं आए। और दोस्तों यहाँ पर ना अभी हम यहाँ पे फ्रैंकलिन के घर पे तो आ चुके हैं। ओके, तो आगे की तरफ ही है ना फ्रैंकलिन घर। ओके, तो ये रहा फ्रैंकलिन घर। तो अभी हम यहाँ पर अपनी जो बाइक है वो रोक देते हैं फ्रैंकलिन के घर के गैरेज के अंदर, इस बाइक को अभी हम रख देते हैं। नहीं तो दोस्तों आजकल किसी का पता नहीं है ये जो बाइक अगर अभी हम बाहर रखते तो शायद से ये जो बाइक है वो यहाँ पर कोई लेकर चला जाता। तो अभी दोस्तों हम चलते हैं अंदर की तरफ, और यहाँ पर दोस्तों अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ। बट दोस्तों अंदर ना मुझे लगता है काफी ज्यादा शोर की आवाज आ रही है, और मुझे क्या लगता है दोस्तों कि अंदर ना शायद से कुछ ना कुछ हो रहा है। ओके, तो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों इस फ्रैंकलिन के घर पे यहाँ पे जो आंटी जी है इसकी वो यहाँ पे पार्टी वगैरह कर रही है अपने फ्रेंड्स के साथ, और यहाँ पर दोस्तों अभी ये जो फ्रैंकलिन है ये भी आ गया है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो फ्रैंकलिन की जो आंटी जी है ना वो घर के अंदर अभी पार्टी कर रही है, और यहाँ पर दोस्तों अभी हम घर के अंदर नहीं जा सकते। इसी वजह से दोस्तों अभी यहाँ पर हमें लेने के लिए यहाँ पर आ चुका है लामार, क्योंकि दोस्तों जो लामार है ना ये अभी अपने यहाँ पे फ्रेंड को लेकर आया, और दोस्तों ये जो लामार है वो अभी हमसे बोल रहा है एक जगह जाने के लिए। पता नहीं दोस्तों वो जो जगह है वो कौन सी है, और यहाँ पर दोस्तों ये जो लामार है वो भी इस गाड़ी के अंदर बैठ चुका है, और दोस्तों जो इसका फ्रेंड है ना वो भी अभी इसके गाड़ी के अंदर बैठ चुका है, जैसा कि दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अभी दोस्तों हम भी इस गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, और दोस्तों हम चलते हैं जहां पर भी दोस्तों ये जो लामार है जाने के लिए बोल रहा है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर अभी हमारी इस लामार से बात हो चुकी है, और दोस्तों ये जो लामार है ना वो अभी हमसे बोल रहा है एक जगह पर जाने के लिए। बट दोस्तों उस जगह पर जाने से पहले अभी ये जो लामार है वो हमसे बोल रहा है एक शॉप पर जाने के लिए, और दोस्तों वो जो शॉप है वो कोई छोटी मोटी शॉप नहीं है। वो जो शॉप है दोस्तों उसका नाम है यहाँ पर एम्यूनेशन, यानी कि दोस्तों वो जो शॉप है वो यहाँ पे गन वगैरह की शॉप है। और दोस्तों जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं शायद से हम उस शॉप पर यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों अभी हम इस गाड़ी से उतर जाते हैं, और दोस्तों अभी हम चलते हैं इस शॉप के अंदर। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो लामा रहना ये अभी हमसे बोल रहा है एक शॉटगन को परचेस करने के लिए इस गन शॉप में से। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हम एक शॉटगन को परचेस कर लेते हैं। ओके दोस्तों, तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो गन है ना दोस्तों अभी हमने यहाँ पर परचेस कर लिया, और दोस्तों इन लोगों ने भी यहाँ पर जो गन है ना वो परचेस कर लिया। जैसा कि अभी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लामा रहना दोस्तों इसके पास भी यहाँ पर शॉटगन ही है, और दोस्तों ये जो इसका फ्रेंड है ना इसके पास यहाँ पे एक छोटी सी पिस्टल है। पर दोस्तों ये छोटी सी पिस्टल पता नहीं लेके क्या करेगा, बट दोस्तों अभी हमें इससे क्या करना, अभी दोस्तों हम चलते हैं जहां पर भी दोस्तों अभी हमें जो लामा है वो जाने के लिए बोलता है। ओके दोस्तों, तो यहां पर ये जो लामा है ना इसने अभी हमें उस सीक्रेट लोकेशन के बारे में बता दिया है, और दोस्तों वो जो सीक्रेट लोकेशन है ना वो यहाँ पर इस गन शॉप से ज्यादा दूर नहीं है, वो दोस्तों थोड़ी दूरी है। ओके, तो यहाँ से अभी हमें दोस्तों एक टर्न ले लेना है, और मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर ना थोड़ी दूर और बचिए, और दोस्तों उसके बाद हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे उस सीक्रेट लोकेशन पर। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर शायद से हम उस सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच गए हैं, और यहाँ पर दोस्तों काफी सारी एक बड़ी सी जगह है। ओके, तो यहाँ पर ना काफी सारी लाइट जल रही है जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बिल्डिंग में। अभी दोस्तों हम यहाँ से चलते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि दोस्तों ये जो लामा है ना जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है। बट दोस्तों ये जो लामा है अभी हमें इसे आगे नहीं जाने देंगे, और दोस्तों हम ना इसके आगे आगे ही चलेंगे, और दोस्तों ये जो है ना अभी हमारे पीछे ही चलने वाला है। ओके, तो यहाँ पर एक रिसेप्शन का गेट आ चुका है, और यहाँ पर दोस्तों ये जो गेट है ना ये भी खुल चुका है, और यहाँ पर दोस्तों पता नहीं है जो लामा है ना किससे बात कर रहा है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ना ये जो बंदा है ना दोस्तों ये वही बंदा है जिसको दोस्तों अभी हम वैन में पकड़ कर लेकर आए हुए थे दोस्तों, और हमारे साथ दोस्तों जो चॉप है वो भी इसको पकड़ने के लिए गया हुआ था। और दोस्तों ये जो है ना ये हमारी वैन से उस टाइम भाग गया था, क्योंकि दोस्तों जो पुलिस है ना वो हमारे यहाँ पे पीछे पड़ चुकी थी। बट दोस्तों यहाँ पर ये जो बंदा है ये अभी यहाँ पर हमें फिर से मिल गया है, तो अभी दोस्तों हम ना इसे यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं है। बट दोस्तों
ओके तो यहाँ पर कोई आवाज वगैरह आ रही है मुझे, ओके तो शायद से नीचे की तरफ कोई है, तो अभी हम यहाँ पर ओके तो यहाँ पर ना काफी सारी गाड़ियां वगैरह आ चुकी हैं। और दोस्तों मुझे क्या लगता है दोस्तों, ये जो बंदा है ना ये बल्लास गैंग का ही बंदा है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। और दोस्तों इस बंदे ने यहाँ पे किसी को बुला लिया, और यहाँ पर दोस्तों इस लामार के फ्रेंड ने ना इसे यहाँ पे गोली मार दिया। ओके तो यहाँ पर शायद से ना यहाँ पर काफी सारे बंदे आने वाले हैं, तो अभी दोस्तों अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। ओके तो यहाँ पर एक बंदा है, अभी हम इसको खत्म कर देते हैं। ओके तो यहाँ पर दोस्तों सारी के सारे जो बल्लास गैंग है ना वो यहाँ पर आ चुके हैं। और दोस्तों अच्छा हुआ कि अभी हम जो शॉटगन लेने के लिए गए हुए थे उसमें दोस्तों अभी हमने यहाँ पे जो फ्लैशलाइट है ना वो लगवा ली। और यहाँ पर ना दोस्तों अभी इस फ्रैंकलिन को यहाँ पे गोली लग चुकी है जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर ना इन लोगों का पता नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ओके तो यहाँ पर ये भी गया, ये भी गया। ओके जो फ्रैंकलिन है फटाफट से उठ जा भाई, अभी ये ना काफी सारे बंदे आने वाले हैं, तो अभी ना हमें यहाँ बिल्कुल संभाल संभाल के चलना होगा। ओके तो यहाँ पर ये गया, ये भी गया, और यहाँ पर काफी सारे बंदे आ रहे हैं, तो अभी हमारी जो गन है ना उसको भी अभी रिलोडिंग पे लगना था। ओके तो ये भी गया। ओके तो सामने की तरफ एक और है, ये भी गया यहाँ पे, और अभी कुछ लोग और है ना यहाँ पे, ये भी गया। ओके तो यहाँ पर ना दोस्तों हमारी जो हेल्थ है ना वो यहाँ पे काफी कम बची हुई है, और यहाँ पर ना दोस्तों अभी हमें इन सबको यहाँ पे मारना होगा, तभी दोस्तों हम इस बिल्डिंग के बाहर निकल पाएंगे। मुझे नहीं पता दोस्तों ये जो लामा है ना ये अभी हमें यहाँ पर क्यों लेके आया। मुझे लगता है ना दोस्तों ये जो लामा है ना इसका उसके पास फोन आया हुआ, यानी कि दोस्तों बल्लास गैंग के उस मेंबर ने इस लामा के पास फोन किया हुआ इसे यहाँ पे बुलाने के लिए। और दोस्तों उसके बदले में ना यहाँ पर इसने उसके साथ चीटिंग कर दी, और यहाँ पर दोस्तों इसने यहाँ पे काफी सारे बंदों को बुला लिया इस लामार को यहाँ पे मरवाने के लिए। ओके दोस्तों अभी हम यहाँ पे एग्जिट लिखा हुआ है, तो अभी हम यहाँ से बाहर की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर कोई है तो नहीं ना। ओके तो यहाँ पर काफी सारे बंदे आ चुके। ओके तो यहाँ पर एक ही गोली में दोनों की तरफ निपट गया, और ये भी गया यहाँ पे, और ये भी यहाँ पर। ओके तो हमारे जो गन है ना वो यहाँ पे फिर से रिलोडिंग में लग चुकी है, तो अभी हमें यहाँ पे गन को रिलोड कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों अभी हम इन सबको यहाँ पे मारेंगे। ओके तो यहाँ पर तो अभी कोई है भी नहीं है, तो यहाँ पे अभी हम आगे की तरफ चलते हैं। ओके तो यहाँ पर ये अभी बैठा हुआ है। ओके तो यहाँ पर ये सबके सब मर चुके हैं, और अभी हम यहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं। मुझे नहीं लगता दोस्तों आगे की तरफ कोई होगा। ओके तो यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो अभी हम यहाँ से फटाफट से आगे की तरफ चलते हैं। ओके दोस्तों तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ना दोस्तों काफी सारे लोग आ चुके हैं, और यहाँ पर दोस्तों ये जो सबके सब है ना इन झाड़ियों के पीछे छुपे बैठे हुए हैं। इसी वजह से दोस्तों अभी हमें यहाँ पे छुप छुप के इन सबको यहाँ पे मार देना होगा, नहीं तो दोस्तों अगर अभी हम यहाँ से बाहर की तरफ जाएंगे तो हमारे लिए काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके तो यहाँ पर ये सबके सब तो मर चुके हैं, और अभी हम इसको भी यहाँ पे खत्म कर देते हैं। ओके तो यहाँ पर तो और मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो अभी हम आगे की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये जो घास वगैरह रखी हुई थी ना ये सारी की सारी अभी जल चुकी है, और अभी हमें यहाँ से बाहर निकल लेना होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे ना तो यहाँ पर दोस्तों हम इस घास को जलकर हम यहाँ पे खत्म होने वाले हैं। ओके तो यहाँ पर काफी सारे लोग आगे की तरफ भी हैं, तो अभी ना हमें दोस्तों यहाँ पर संभल संभल के यहाँ पे इन सबको मारना होगा, क्योंकि अगर दोस्तों हम संभल संभल के इन सबको यहाँ पे नहीं खत्म करेंगे ना तो यहाँ पर दोस्तों अभी हम यहाँ पे मरने वाले हैं। ओके तो यहाँ पर ये भी गया, ये दोस्तों हमें छुप छुप के मार रहा था। ओके तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा कवर ले लेते हैं, और दोस्तों यहाँ पर अभी हम इन दोनों को यहाँ पे वेट कर लेते हैं। यहाँ पर पता नहीं ऊपर की तरफ ये दोनों किसी को मारने में लगे हुए हैं, बट यहाँ पर तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ओके तो यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ओके तो अभी हम आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सबके सब खत्म हो चुके हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि आगे की तरफ कौन हमें मिलने वाला है। ओके तो यहाँ पर जो गेट है वो खुल चुके हैं, और यहाँ से कौन निकल रहा है। ओके तो ये भी गया, और भाई गोली भी यहाँ पे जो गन है इसको भी यहाँ पे अभी रिलोड होना था। ओके तो यहाँ पर ये गया ना, ओके तो यहाँ पर ये गया। अभी दोस्तों हम अपनी जो गन है ना उसे यहाँ पे रिलोड कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों पता नहीं आगे की तरफ हमें कौन मिल जाए। ओके तो यहाँ पर एक गेट वगैरह है, तो अभी हम इस गेट को यहाँ पर खोल देते हैं। ओके तो सामने से हेलीकॉप्टर है, तो यहाँ पर अभी हम इस हेलीकॉप्टर की जो बंदा है ना इसके अंदर जो बैठा हुआ है इसको भी यहाँ पे हम मार देते हैं। ओके तो यहाँ पर ये गोलियाँ चला रहा है हमारे ऊपर। ओके तो यहाँ पर ये भी गया, फटाफट से दोस्तों अभी हम चलते हैं, और यहाँ पर ना सीढ़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं, तो हम सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चलते हैं। ओके तो यहाँ पर गोलियाँ वगैरह पड़ रही हैं हमें, बट अभी दोस्तों हमें यहाँ से निकल लेना होगा, क्योंकि दोस्तों अगर अभी हम यहाँ पर खड़े रहेंगे ना तो यहाँ पर अभी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ओके दोस्तों तो यहाँ पर अभी हम इसको निपटा देते हैं। ओके तो यहाँ पर जा नहीं रहा क्या? ओके तो अभी भी नहीं जा रहा इसको। ओके तो यहाँ पर अभी हमने इसे खत्म कर दिया, और दोस्तों वो जो है नीचे की तरफ जा चुका है, बट दोस्तों आगे की तरफ एक और है, तो अभी ना दोस्तों अभी हमें बाजूका निकाल लेनी होगी, और बाजूका निकाल के दोस्तों अभी हमें इसको फायर कर देना होगा, जिससे कि दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर वाला है ना ये भी यहाँ पर गया हो। तो अभी दोस्तों हम यहाँ पर फटाफट से अपनी जो शॉटगन है ना वो निकाल लेते हैं, और यहाँ पर दोस्तों अभी हम इस बाउंड्री को क्रॉस करने के बाद दोस्तों अभी हम फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक गाड़ी वाला आ रहा है, तो अभी हम इस गाड़ी वाले को यहाँ पर रोक लेते हैं। ओके तो यहाँ पर अभी हमने इसको भी यहाँ पर मार दिया है गलती से, और अभी दोस्तों हमें फटाफट से यहाँ पर निकल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी हमारे पीछे पड़ चुकी है यहाँ पे 3 स्टार की पुलिस। और सामने दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं सामने की जो दोस्तों पुलिस की गाड़ी आ रही है, यहाँ पर दोस्तों पीछे की तरफ भी जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर हैं। ओके तो यहाँ पर अभी हम कहाँ जा रहे हैं? ओके तो अभी हम इसके ऊपर चलते हैं और इसके ऊपर जाने। ओके तो हमारी जो गाड़ी है ना वो यहाँ पर रुक चुकी है, तो अभी दोस्तों हमें यहाँ पर बिल्कुल संभाल संभाल के चलाना होगा, क्योंकि दोस्तों जो पुलिस है ना वो अभी हमारे पीछे ही है, और अगर अभी हमें थोड़ी बहुत भी गलती वगैरह कर दी ना तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके दोस्तों अभी हम यहाँ पर एक पानी के पास आ चुके हैं,
और दोस्तों यहाँ से ना अभी हमें निकलना होगा क्योंकि दोस्तों जो पुलिस का हेलीकॉप्टर है ना वो अभी हमारे यहाँ पे पीछे ही है। अगर दोस्तों अभी हमने इन पुलिस वालों से अपना पीछा नहीं छुड़ाना तो दोस्तों अभी हमें यहाँ पर जेल भी जाना पड़ सकता है। और दोस्तों हम नहीं चाहते यहाँ पर कि अभी हम यहाँ पर जेल जाएं। पता नहीं दोस्तों अभी हम यहाँ पर कौन सी जगह पर आ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों काफी ज्यादा खाली खाली जगह है, एकदम बिल्कुल बेकार सी जगह है। यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पर कुछ कार वगैरह का ना यहाँ पे शायद डंप वगैरह का एरिया होगा उसके। तो यहाँ पर जो गेट है ना ये हमारे लिए खुल चुका है, चलो अच्छी बात है। और यहाँ पर ना दोस्तों अभी हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं क्योंकि मुझे क्या लगता है दोस्तों ये जो पुलिस है ना वो अभी यहाँ पर आ नहीं सकती है। तो अभी दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, उसके बाद जैसे दोस्तों हमारे पीछे से ये जो पुलिस है वो हट जाएगी उसके बाद हम चलेंगे दोस्तों फटाफट से कहीं और। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर अभी हमारे पीछे से जो पुलिस है वो दोस्तों यहाँ पे हट चुकी है। और दोस्तों अभी हमें जाना है फ्रैंकलिन के घर पर। और दोस्तों फटाफट से अभी हम फ्रैंकलिन के घर पर चलते हैं क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये जो लामा है ना उसने अभी हमें यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंसा दिया था। बट दोस्तों कोई नहीं, यहाँ पर उस बल्लास के बंदे को तो यहाँ पर हमने खत्म कर दिया। और यहाँ पर दोस्तों जो लामर का फ्रेंड है ना जिसका नाम है स्ट्रेच, उसने यहाँ पर दोस्तों उस बंदे को यहाँ पे गोली मार दी डायरेक्ट। और यहाँ पर दोस्तों ओके, तो यहाँ पर अभी हम यहाँ से एक राइट टर्न ले लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों लॉस एंजेलिस में काफी ज्यादा रात हो चुकी है ना, इसी वजह से यहाँ पर मैं ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ। बट दोस्तों यहाँ पर ना अभी हमें बिल्कुल अच्छे से चलाना होगा अपनी कार को क्योंकि दोस्तों अगर हमने यहाँ पर किसी को ठोक वगैरह दिया ना तो हमारे पीछे जो पुलिस है वो यहाँ पर फिर से पड़ सकती है। और दोस्तों अगर अभी हमारे पीछे जो पुलिस है वो फिर से पड़ गई तो हमारे लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि दोस्तों अभी अभी हम जो पुलिस है उससे यहाँ पे बचे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी हमें एक टर्न ले लेना है। अभी दोस्तों मांगे गलती से चले गए थे। ओके, तो यहाँ पर ये जो फ्रैंकलिन का घर है ना ये भी शायद से यहाँ पे आ चुका है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो फ्रैंकलिन का घर है ये यहाँ पर आ चुका है। तो अभी दोस्तों हम इस कार को ना फ्रैंकलिन के गैरेज के बाहर जाके खड़ा कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी हम यहाँ पर इस कार को यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। और दोस्तों जो गैरेज है तो खुल चुका है। और अभी दोस्तों ये जो लामार है ना ये यहाँ पर जाने लगा है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो लामार का फ्रेंड है ना ये भी यहाँ पर जाने लगा है। इसी वजह से दोस्तों अभी हम इन लोगों को जाने देते हैं और अभी दोस्तों हम चलते हैं अपने घर के अंदर। तो दोस्तों GTA 5 के इस वाले एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ दोस्तों की जो एपिसोड है ना वो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। और दोस्तों अभी हम नेक्स्ट वाले एपिसोड में चलेंगे माइकल के घर पर क्योंकि दोस्तों अभी हम जाने वाले थे स्टार्टिंग में माइकल के घर पर, बट दोस्तों हम बदकिस्मती से नहीं जा पाए। पर दोस्तों हम नेक्स्ट वाले एपिसोड में जरूर जाने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वाले एपिसोड में फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।